ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज और साथ में मिलकर करेंगे हम। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा देखते हैं कि मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी भी के साथ या किसी के भी साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा, है ना। यानी केवल हमको जी कंसिडर करना है या ए भी। तो ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको हमेशा मतलब कहीं भी आप अप्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। यानी ये काहे पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, और डायरेक्शन चेंज हुई तब भी ए एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी आपको वेलोसिटी को देखना, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, यानी वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी ये वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, यानी तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है, और हम उछालते हैं सिक्का, तो वो सिक्का जो जाता है ऊपर, तो वो आके हमारे हाथ में ही क्यों गिरता है? और क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो हमारे हाथ में ही गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो आंसर देना ये है कि अगर वो हमारे हाथ में गिरेगा तो उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि आप तो स्टैटिक हो, आप रुके हुए, लेकिन ट्रेन चल रही है, इसके कारण सिक्के को पीछे जाना चाहिए, और अगर सिक्का पीछे जाएगा तो उसका भी रीज़न। सो देखते हैं क्या आंसर मिलता है।